जय श्री राधे। धीरे धीरे लॉकडाउन का समय बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों की भी इच्छा होगी, बहुत दिन से कथा या गौसेवा धाम की सेवाओं से आप दूर होंगे, तो आज मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा दृश्य, थोड़ा दर्शन आपको यहाँ की सेवा का करा दिया जाए। मैं अभी खड़ी हूँ जहाँ गौ माता के लिए रोटियों की सेवा की जाती है। यहाँ गौ माता के लिए रोटी बनाई जाती है ताकि गौ माता चारे के साथ साथ, क्योंकि अभी आप जानते हैं लॉकडाउन है, गौ माता को भी आहार की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम यहाँ भरपूर सेवा कर रहे हैं। आइए मैं खुद स्वयं आपको एक पूरा दृश्य दिखा देती हूँ कि ये रोटियाँ कैसे बनती हैं। यहाँ सबसे पहले गौ माता के लिए आटा बनाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस अपने आप चलता है। आटे को इसमें डाल दिया जाता है और उसको हाथ से दबा करके यहाँ से अपने आप ये थोड़ी सी लोई निकलती है, अपने आप कटती है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो वही जो लोई है, थोड़ी उसको बेल करके मशीन आगे पहुंचाती है। एक बार बेल जाती है या एक बार लंबाई? हाँ, एक बार यहाँ इसको बेल, जैसे हम घर में बेलन से करते हैं, यहाँ बेली जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर इसको पूर्ण करते हुए, यहाँ पर आटा है जो हम घर में भी उपयोग करते हैं साथ साथ में, तो आटा डलते हुए यहाँ से वो रोटी पूरी धीरे 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 गोल होती हुई इस पर पहुँच जाती है। और क्रम आप देख सकते हैं कैसे क्रम से ये आगे बढ़ती चली जाती है। वहाँ से ये पूरी घूमती हुई इधर तवे पर सेकती है, जैसे तवे पर सेकी जाती है उसके बाद रोटी को सेका जाता है। तो ये पूरी चेन है जो धीरे 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 सभी रोटियों को पकाती हुई, सारी रोटियां यहाँ आँच में सिकती हैं और सेकते हुए ये मशीन इसको अपने आप आगे बढ़ाती है और फिर पूर्ण रूप से यहाँ से वो रोटी आप देख सकते हैं, एकदम गौ माता के लिए जो रोटियां निकाली जाती है तो उसकी यहाँ पर पूर्ण रूप से सेवा की जाती है। और ये सारी रोटियां अब एक पात्र में रख कर के गौ माता को समर्पित हम करते हैं, जो आज भी मैं आपके साथ मिलकर के गौ माता की सेवा करने का प्रयास करूंगी। मेरा विचार था, आप सब घर में हैं तो कहीं ना कहीं आप गौ सेवा से थोड़ा दूर होंगे, तो मन में ये भाव होगा कि भले ही शारीरिक रूप से नहीं किंतु मानसिक रूप से हम गौ माता की सेवा कर सके या फिर कोई सेवा करे और उस सेवा में हमारा एक छोटा सा मानसिक भाव मिल जाए तो आपको स्वतः ही उस सेवा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गौ माता का ये रसोई घर है, जो भी दलिया रोटी जो बनाई जाती है गौ माता के लिए ये पाकशाला है। और उसके बाद यहाँ पर, वैसे तो जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने देखा है, ये एक अन्य जीव जंतु वार्ड है। शायद अगर आप देख पाएंगे तो इसमें बहुत सारे खरगोश हैं, नील गाय है और साथ साथ एक बकरी भी आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ इलाज के लिए आई है। तो इनको भी, क्योंकि गौ माता के साथ साथ जीव तो ये भी हैं और हमेशा हमारे शास्त्रों ने हर जीव पर दया रखने की भावना का एक उद्घोष किया है, तो इसलिए हम हर जीव का यहाँ रख रखाव करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो गौ माता हो। तो मेरी प्रार्थना है
कि हमें किसी भी रूप में आप जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी गांव में हैं, ये हमारा परम दायित्व बनता है कि हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए पशुओं का, जीवों का। अभी हम गौ माता के वार्ड में एंट्री करते हैं और हमने एक ऐसा विचार बनाया है जो भी लोग यहाँ हैं कि जब भी आप गौ माता के वार्ड में सेवा के लिए या सुबह सुबह प्रवेश करते हैं तो पहले जब मंदिर जाते तो प्रणाम किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें इस स्थान पर आने से पहले भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ 33 कोटि देवताओं का गौ माता के रूप में वास है। तो आप सबकी तरफ से भी मैं अपना प्रणाम यहाँ देती हूँ, आप अपने घर बैठे मानसिक प्रणाम कर सकते हैं। कई बार मैंने जब जब मुझे समय मिला है अपने लाइव के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आप तक सेवा पहुंचाने का प्रयास किया है, सिर्फ ताकि आपको प्रेरणा मिले। अभी आप देख रहे हैं ये वार्ड लगभग खाली है सारे, क्योंकि यहाँ की जितनी भी गौ माता हैं उनको बाहर एक जो बड़ा वार्ड है दिन में वहाँ थोड़ा शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि यहाँ की साफ सफाई भी हो जाए और थोड़ा उनको भी, अभी तो गर्मी आ गई, अन्यथा जब ठंड होती है तो थोड़ा धूप लेने के लिए भी गौ माता को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो जब ये पूरा यह कार्य हो जाएगा साफ सफाई इत्यादि का तो पुनः उन गौ माता को वापस लाया जाता है। तो अभी जितनी गौ माता हैं हम उनकी सेवा कुछ अपने भाव से आप ही के रूप में आप ही के लिए प्रदान करते हैं और ऐसे ही न जाने कितने निर्दोष जीव हैं जो रोटी अभी इस लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं। मानवों की स्थिति तो हम जानते ही हैं, इसको भी अभी 3 दिन पहले ले गए थे एम्बुलेंस से। मानवों की स्थिति तो हमको पता है कि अभी बहुत सब लोग एक बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, किंतु उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जीवों पर भी एक बहुत बड़ा संकट आया है। मानव फिर भी थोड़ा बोल करके अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकता है रोटी, किंतु पशुओं की और प्राणियों की सेवा तो हमको अपने भाव से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपसे कहने नहीं आएंगे कि हमें भोजन खिलाइए, हमें रोटी दीजिए। वो एक मानवता होने के नाते, आपके हृदय में अगर मानवता होगी तो आप उस मानवता के नाते खुद जाएंगे, खुद विचार करेंगे, खुद सोचेंगे कि हमें कैसे सेवा करनी चाहिए। मैं बात सिर्फ गौ सेवा धाम की नहीं कर रही हूँ, आप जिस नगर में, जिस शहर में रहते होंगे वहाँ भी ऐसे कितने सारे पशु भी होंगे, गाय भी होंगी, कुत्ते होंगे जो सड़कों पे घूम रहे होंगे। तो मेरा यही निवेदन है आप सभी से कि हमें इस भाव को अवश्य मानना चाहिए और ये मेरी एक हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जितना समय मिले, मैं ये नहीं कहती आप बाहर जाइए क्योंकि लॉकडाउन है तो हमें कहीं ना कहीं स्वयं इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम घर से बाहर न निकले, लेकिन ऐसा भी आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता खड़ा है और कोई गाय खड़ी है, कम से कम आप उनको बिना कहे अपने मन के भाव से एक रोटी, दो रोटी या कोई सब्जी आपके घर में बची है, कोई फल, कोई सब्जियों का छिलका है तो खुद उसको बाहर डाल दीजिए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी पशुओं को, जीवों को ना हो। तो यही मेरा निवेदन है और मेरी ये भी प्रार्थना है, जैसा आप जानते हैं लॉकडाउन चला हुआ है, अभी हम सब भी गौ माता की सेवा पूर्ण रूप से कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी निवेदन है कि जो भी व्यक्ति अपने भाव अनुसार गौ माता की सेवा के लिए,
जो भी धनराशि समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि वो धनराशि ना तो मेरे लिए है, ना गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ इन गौ माताओं के लिए है जो ना चल सकती है ना खड़ी हो सकती हैं। और ऐसे समय में, ऐसी कोरोना की भयानक स्थिति में, ये हमारा परम दायित्व है कि हम आपके शहर की, आपके नगर की जो भी गौशाला हो, मैं ये नहीं कहती कि केवल हमारे होटल में जो सेवा चल रही है, जहाँ सेवा चल रही है, जिस भी रूप में चल रही है, आप उसी रूप में अपने शहर की गौशालाओं को मदद अवश्य करें। जहाँ भी ऐसे समय में जो NGOs हैं या जो धार्मिक संस्थाएं हैं जो सेवा दे रही हैं, जिनकी सेवा सिर्फ और सिर्फ लोगों की धनराशि पर चलती है, जो लोग भाव से प्रदान करते हैं, उन लोगों को थोड़ी आवश्यकता इस समय में बहुत होगी। वैसे तो समग्र विश्व ही कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक इशू से जूझ रहा है, किंतु फिर भी अगर आपके हृदय में कहीं दया भावना है, तो जीवों को अपना परिवार समझ के, जैसे आप हर स्थिति में अपने परिवार के साथ रहते हो, उनकी सेवा करते हो, ठीक उसी प्रकार इनको भी अपना परिवार समझें और अपना परिवार समझ करके इनकी मदद करें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अपने घर पर रह करके खूब सेवा करें, भगवान का भजन भी करें और साथ साथ में सेवा भी करते रहें। और गौ माता का ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी मार्गदर्शन की एक प्रेरणादायक कुछ कुछ बातें बताई जाती हैं, उससे जुड़े रहें और सबको सेवा करने की प्रेरणा दें। जय श्री राधे। आओ, आ जाओ। आजा 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 आजा।